बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे क्लेवर शो जिसका नाम है छड़ी के बच्चे आपसे अच्छे। अब आप कहेंगे ये प्रोग्राम में क्या ऐसी खास बात है जो और प्रोग्राम्स में नहीं। इस प्रोग्राम में वो खास बात है कि आप घर बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं और हमारे कंटेस्टेंट जो है 50,00,000 रुपए जीत सकते हैं। कितना, क्या 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 क्या, 50,00,000? जी हाँ, 50,00,000 रुपया। आज तक तो कोई नहीं जीता, 10,00,000 रुपए तक लोग जरूर जीते हैं, लेकिन आप घर बैठ के हर हफ्ते 50,000 रुपए जीतते हैं, यकीन नहीं आ रहा। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते का क्या सवाल था। जे, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, व्हाट जंप्स व्हेन इट वॉक्स एंड सिट्स व्हेन इट स्टैंड्स। ये पहेली थी जो हम लोगों ने अपने ऑडियंस से पूछी थी और हमने कहा था कि आपने हैशटैग करना है छड़ी के बच्चे आपसे अच्छे और हमें टैग करके जवाब दें। जिन लोगों ने टैग किया है सिर्फ उनके जवाब काउंट करते हैं और जो लोग टैग नहीं करते उनको हम कुछ नहीं देते। जी खातिन हज़रात, इस हफ्ते का विनर, लेकिन सबसे पहले आंसर देखते हैं इसका। पहली का आंसर था कैंगरू। क्या बात है, कभी कैंगरू का गोश्त खाया? मैंने कैंगरू की कढ़ाई एक दफ़ा खाई थी। नहीं, कैंगरू नहीं था, खोता था। हाँ सॉरी, खोते की कढ़ाई थी वो, अक्सर लाहौर में मिल जाती है। खातिन हज़रात, कैंगरू जिन लोगों ने जवाब दिया है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन हमारे पास विनर सिर्फ एक ही है। एंड खातिन हज़रात, विनर का नाम है समी कुरैशी फ्रॉम कराची। आप बात है समी कुरैशी, मुबारक हो। टीवी देखने का कोई तो फायदा हुआ, आप घर बैठे बैठे 50,000 रुपए जीत गए हैं। अगर आप भी 50,000 रुपए जीतना चाहते हैं तो खवातीन हज़रात, ऑल यू हैव टू डू इज प्रोग्राम के एंड तक अवेट करें, हम एक और आपको क्वेश्चन देंगे और अगर आपने उसका जवाब सही दिया तो समी कुरैशी की तरह आप भी 50,000 रुपए जीत सकते हैं। अब आइए चल के उन बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने पसूड़ी डाली हुई है, जिनकी वजह से ये सारी महफिल जमी हुई है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम छठी के बच्चे जरूर हैं लेकिन हमसे अच्छे कोई भी नहीं है। बच्चा पार्टी हाजिर हो। हमना ने सबसे पहले मुझे टैग किया है और किसी ने मुझे टैग किया। खातिन हज़रात, आइए चलते हैं अपने बच्चों से मिलते हैं। हमारे सबसे पहले बच्चे का नाम है इब्राहिम। इब्राहिम के साथ बैठे हुए हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं और हमेशा पहले आते हैं। आज देखते हैं पहले आते हैं कि नहीं। ज़ियान और मुसब, मुसब के साथ बैठी हैं प्रिंसेस एंड हमना। अच्छा जी, हमारे बच्चे आ गए हैं, लेकिन अब चलते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ। लेकिन कंटेस्टेंट्स जो आज हमारे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। खवातीन हज़रात, इनका आईक्यू जो है वो आईक्यू नहीं, इनका आईक्यू जो है वो टाइक्यू है। बोल की हिस्ट्री के अंदर इन लोगों ने जो उद्दम मचाया था, जो कंट्रीब्यूशन किया था, जो मीम में कंट्रीब्यूशन किया था, वो कमाल का था। एक हस्ती है तो लगता है कि डायनासोर मर गए हैं, दूसरा अगर बोलती है तो लगता है कि खातिन हज़रात फूल मुंह से झड़ रहे हैं, जो निकल एकदम निकलते साथ ही मुरझा जाते हैं। खातिन हज़रात ये टिकटॉक की दुनिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने बच्चा लोग के अंदर जो उद्दम मचाया था, आज देखते हैं कि क्या वो उस चीज़ को स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड करने के लिए आ सकती हैं। प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में हमारी आज की दो कंटेस्टेंट जो कि बच्चों से टाकरा लेने आई हैं, क्योंकि इनको बहुत शौक है बच्चों से लड़ने का, आपकी भरपूर ताली में प्लीज वेलकम कश्यप एंड फजीला। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आज तक इस शो में नहीं दिया, लेकिन मैं और भी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा खवातीन हज़रात की। ये दो लड़कियां जो आज आके हमारे साथ खेलेंगी, न्यूटन वाकई ही अपनी कब्र में मुरझा जाएगा, बल्कि वो चीखे मार रहा होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो। और कैंगरू जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करता है। यस, वेरी नाइस। खातिन हज़रात, हमारी दोनों गेस्ट आ चुके हैं। सबसे पहले क्या हाल है आप लोगों के? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी हूँ। वो तो हमें भी पता है। अच्छा, आज दोनों बड़े मजेदार बन के आई हुई हैं। बच्चों के लिए आए हैं ना सर, तो इसलिए थोड़ा फंकी बन के और थोड़ा सा फंकी बन के आए हैं। अच्छा, ये जो फंकीनेस होती है ये मुझे बताएं सबसे पहले फजीला,
आप हमारी जो बोल की मीम की हिस्ट्री है उसके अंदर आप छाई हुई हैं। आप मुझे बताएं वो न्यूटन से आपकी कैसी गई दोस्ती, कुछ बात और बनी न्यूटन से? सर इस तरह उन्हें कोई याद नहीं करता था, अब सब याद। मेरा ख्याल है कुछ लोग जिनको रिकॉल करने के लिए एक चीज आपको दिखाते हैं। जी आइए जरा देखते हैं। अच्छा मैथ्स का सवाल करूं, साइंस का करूं, इकोनॉमिक्स का करूं, एल्जेब्रा, कोई भी। अच्छा किसी ने पीछे से बोलना नहीं है, ओके। अब मुझे बताओ चांद पे जाने वाले पहले शख्स का नाम? न्यूटन। न्यूटन चांद पे जाने वाले पहले शख्स का नाम? मैंने कभी नहीं पढ़ा ये। आप कभी नहीं पढ़ा? नहीं। चलो नहीं, मगर आज के बाद ये मीम बड़ी आला बनने वाली है। नहीं नहीं बताती हूँ, नीलम स्टोन। मैं नीलम? नहीं नीलम नहीं। फिर क्या? न्यूटन ही? न्यूटन सही है, बस न्यूटन ही सही है। ओके न्यूटन लॉक करते हैं जी। एंड वेरी नाइस, क्या बात फजीला। वो क्लिप और इस क्लिप में सिर्फ एक दो किलो का फर्क है जो शायद मैंने गेन किए और आपने भी गेन किए हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि साइंस में आपने उसके बाद मैंने सुना है बहुत इंप्रूवमेंट की है। नहीं नहीं नहीं, आज कोई सवाल नहीं करेगा। आज कोई तो, अच्छा आज आपको लग रहा है हम टिकटॉक खेलने आए हैं यहाँ? आज तो आपको पता है ही सारा एजुकेशन के ऊपर है। हमारे पास 12 कैटेगरीज होती हैं, उनमें से 10 आज मैं पढ़ लिख के आई हूँ। क्या उस शो के बाद मैंने स्टेटस पढ़ लिख के आई हैं? अपना स्टेटस पढ़ लिख के आई हैं क्या? आज पढ़ लिख के आई हूँ, पहले मुझे बताएं। मैं साइंस पढ़ के आई हूँ। साइंस पढ़ के आई है, कौन सी साइंस? साइंस में बहुत सारी साइंस। कौन सी साइंस मुझे आज बताएं, ये कौन सी साइंस आप पढ़ रही हैं? आप साइंस में बायोलॉजी पढ़ के आई हैं, वेरी नाइस। ओके अच्छा बायोलॉजी के अंदर जो कौन सी साइंस थी नहीं मुझे बताया ना भाई। उन्होंने कहा मैं आज साइंस पढ़ के आई हूँ, बायोलॉजी पढ़ के आई हूँ। बायोलॉजी आपने सीरियस ले लिया, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप नहीं मतलब पढ़ के आई हूँ? नहीं मैं पढ़ के आई हूँ, मतलब थोड़ी तैयारी करके आई हूँ। बच्चा है, मैं थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं वो तो मेकअप की तैयारी करके आई हूँ, ये बाकी क्या करके आई? बाकी भी तैयारी। सर आप कोई सवाल पूछ ले मुझे जवाब नहीं आएगा भाई। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ हम लोग फजीला के ऊपर इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहाँ कशफ को हम किस तरह भूल सकते हैं। कशफ आपकी भी एक मजेदार याद हमारे साथ है, आइए वो भी चल के जरा देखते हैं। दिखाइए जी कशफ। बड़ा अच्छा सवाल, मजेदार है, अच्छा है और तुम इंजॉय भी करोगी। ओके मुझे बताओ कि कैंगरू किस कंट्री में होते हैं? अफ्रीका। इतना घबरा रही थी, अफ्रीका पक्का? अब मैं कंफ्यूज करूंगा, बता अफ्रीका पक्का? पक्का तो नहीं लग रहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इसलिए। कभी कैंगरू देखा है? हाँ ना, तो कहाँ होता है कैंगरू? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैं पढ़ गई। हाँ शायद ऑस्ट्रेलिया। पक्का ऑस्ट्रेलिया लॉक करूँ? अच्छा जी कैंगरू कढ़ाई खाई हुई है तुमने? सर अब पूछे अब कहाँ से होता है अब। अफ्रीका में कैंगरू जो तुमने देखे थे वो कल से वो वाले थे वो जो जुगा 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 काले काले थे? काले। अफ्रीका में काले ही मिलेंगे, गोरे तो मिलने से रहे। वाह वाह वाह, मतलब के कैंगरूज रेसिस्ट हैं, मतलब तुमने कैंगरूज को काला कह दिया। ओके अच्छा आज तो आप दोनों तैयार होके आई हैं, तैयारी करके भी आई हैं और मुझे यकीन है कि आज कमाल के आप लोग ने। लेकिन मुझे कहा गया था कि आज तीन लोग आ रहे हैं, आप लोग तो दो हैं, आपके साथ कोई एक और भी शख्स आ रहे हैं? हाँ हमारा बेस्ट फ्रेंड आया हमारे साथ। आज आपका बेस्ट फ्रेंड आया कैंगरू? नहीं। फिर कौन? हमाद। हमाद अच्छा जी, मेरा ख्याल है हमारे लाइब्रेरियन शैबी के साथ आ रहे होंगे। शैबी हमाद को लेके हाजिर हो। अंदर आओ तुम, अंदर इधर आओ। अबे कौन आदमी, किसके साथ है ये? भाईजान सलाम अलैकुम। क्या वालेकुम सलाम, किसके साथ है ये? अच्छा अच्छा आप हमाद हैं, कैसे हैं आप हमाद? ठीक हैं आप? अच्छा अच्छा हाँ, ये तुम लोगों का कोऑर्डिनेटर है ना? हाँ तो आप इनको क्यों लेके आए? चाहिए आदमी है भाई। क्यों? वो तो बोला वॉशरूम किधर है, मैंने दिखा दिया, बोले ये नहीं लेडीज। क्यों पता नहीं इससे पूछा, लेडीज कुर्ता तो आपने पहना, तो फिर आप मेरे में आ गए यार। हमाद बीच में आए आप, प्लीज आप इनके बीच में। और माशाल्लाह। अच्छा हमाद आप इन दोनों को कैसे जानते हैं? कशफ और मैंने रियलिटी शो जो हम लोग, मैंने अपनी जिंदगी का कोई शो पहले किया था टीवी पे, जो पेरेंट्स था वो कशफ के चैंपियन साथ था, चैंपियंस किया था। जी जी। तो बेसिकली मैं विनर था, ये रनर अप थी, तो अच्छा। हम लोगों ने वो साथ किया था शो, तब से लेके अभी मेरे ख्याल है चौथा साल है हम लोग साथ ही हैं। चौथा साल है आप एक साथ? तो इस मजबूरी की वजह क्या है?
हाँ इसको दोस्ती कहते हैं। ओहो हाँ। जी। जो कि तुम्हें पता नहीं है, आपको नहीं पता होगी ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई साथ नहीं है ना, क्योंकि मैं लाहौर नहीं जाता ना आए दिन। अच्छा हमाद, तो आपने हमाद आपने कैंगरूज देखे जी टीवी वगैरह में? टीवी वगैरह में कैंगरू वही ना जिसके पेट पे किसी ने चाकू मारा हुआ होता है, जिसकी जेब होती है। तुम्हारी बात नहीं करे शराबील, बीच में नहीं बोला तुम, फिर बीच में बोली बेगम। शराबील साहब जरा हम अपने गेस्ट से सीरियस बात कर लें प्लीज। ओके सीरियस शो हो रहा है आपका, कुर्ता सीरियस नहीं लेकिन ये शो। अच्छा भाई सबसे पहले तो आप लोगों को मैं रूल्स बताता जाऊँ, इस गेम के रूल्स क्या है। सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, जो छठी के बच्चे हैं, छठवीं का सिलेबस आपके सामने आएगा और हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि आप क्या जीतने वाले हैं। आइए जी मनी ट्री दिखाइए इनको। अगर आप पहले सवाल का जवाब देती है, टोटल आपने 10 सवाल हमारे साथ खेलने हैं, अगर आप पहले का सवाल देंगी 5,000 रुपये आप जीत सकती हैं, दूसरे का 10, 25, 50, फिर 1,00,000, उसके बाद 2,50,000, 5,00,000, 7,50,000, 10,00,000, 25,00,000 और फाइनली अगर आप 10वें का सवाल दे देती हैं तो आप जीत सकती हैं। जो आज तक कोई जीता है नहीं, कोई जीतेगा नहीं, हाँ आज जीतेगा, आज जीतेंगे, हम जीतने नहीं देंगे आज। क्यों नहीं जीतने दोगे, तुम लोग को चाहिए पैसे। अच्छा मजे की बात है, यहाँ अक्सर होता है कि हमारे यहाँ टीमें आती हैं बड़े हंस खेल मुख है और ये वो, और दूसरे तीसरे राउंड में वो ऐसे लड़के जाती हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि पैसों की बारी आ रही है। आज अगर 10,00,000 रुपया हो गया तो 10,00,000 रुपए के 3 टोटे होंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल होगा, मतलब 3 टोटे, बल्कि एक गाड़ी ले लेंगे उसमें तीनों घूमेंगे। हम लोग वैसे भी साथ ही घूमते हैं, हम साथ ही घूमते हैं, और हमें लाहौर भी जाना होता है ना शरवी, और इस्लामाबाद भी आजकल शरवी, तो इसलिए हम उस गाड़ी ये लाहौर की क्या स्टोरी है, लाहौर के 2-3 चक्कर क्यों लगते हैं? अहमद भाई वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, कंपैरेटिवली वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाहौर में ऐसे लोग नहीं होते, इनके अब्बा जरूर होते हैं। क्या पता मुलाकात होती हो वहाँ पे? हाँ मुलाकातें तो होती हैं, हाँ मुलाकातें तो होती हैं। अच्छा लाहौर से अच्छा आप कहाँ से वैसे बिलोंग करती हैं? मुल्तान। आप? केपी के। मैं तो कराची से ही। माशाल्लाह सारे सूबे टकरा गए। वाह 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 जी ख्वातीन हज़रात, आज तो लगता है कि हमारा पूरा नेशनल कॉम्पिटिशन होने वाला है, बड़े तीनों सूबों से आप लोग आए हुए। अच्छा जी मुझे बताया, अब अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन है? आपको मैंने मनी ट्री दिखा दी, अब मैं आपको चल के वो कैटेगरीज दिखाता हूँ जिनके अंदर से आप चूज करेंगी 10 सवाल। 12 कैटेगरीज आपके सामने आएंगी, इनमें से आप 10 हमारे साथ खेलेंगी। 12 कैटेगरीज में है एनिमल किंगडम, आहा कैंगरू, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद मैथ्स है, फिर पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, साइंस, साइंस वेरी नाइस, साइंस के बाद रिडल्स हैं, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है और फिर जर्नल नॉलेज है, जिसमें आप तीनों चीते लग रहे हैं मुझे जर्नल नॉलेज में भी। ठीक है अच्छा अब होगा क्या, 3 चीट्स हैं आपके पास। पहली चीट है, लेट्स सपोज आपको सवाल नहीं आता, तो वो है आपने कोई भी कैटेगरी चूज की, कैटेगरी के बाद आप एक बच्चा चूज करेंगे जो आपके आके हेल्प करेगा यहाँ पोडियम में, वो अपना आंसर दे दिया करेगा, आपको आंसर नहीं आता, आपने कहा कि जी मैं पहला चीट लेना चाह रहा हूँ। पहला चीट जो है उसका नाम है ताका झाकी, ताका झाकी अब यहाँ आया, आपने ई करके उसका आंसर देखा और आपने उसका जवाब दे दिया। दूसरा चीट जो है उसका नाम है छाप दो, छाप दो के अंदर क्या होगा कि आपको जवाब नहीं आता, आपने कहा छाप दो, जो उसने कहा छाप दो भाई मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। 90% ऑफ टाइम हमारे बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, 10% ऑफ टाइम बेचारे गलत भी हो सकते हैं। लास्ट जो चीट है उसका नाम है बचत। अब बचत क्या है, आपने जवाब दे दिया लेकिन आप अनश्योर हैं, तो आपने बजर दबाया और आपने कहा कि जी हम बचत ऑप्शन साथ लेना चाह रहे हैं। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली इनका जवाब काउंट होगा, और अगर वो जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हैं इनाम। ओके ये आपके 3 चीट्स हैं जो आप पूरी गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद रखें जब तक आप बजर नहीं दबाएंगे कोई भी आंसर लॉक नहीं होगा, कोई भी नेक्स्ट स्टेज लॉक नहीं होगी। वंस बजर दबा दिया उसके बाद यू कांट गो बैक। ओके So, सोच समझ के खेलना है, और मुझे लग रहा है आपकी शक्लें बता रही हैं कि आपका कख भी नहीं आता। सर अगर शराबील यहाँ रह सकता तो हम लोग भी। शराबील आपके साथ जो करने वाला है ना, शराबील साहब मुझे बताएं इन तीनों में से आपकी फेवरेट कौन है? हमाद। क्यों? अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा लड़का है। जी जी ओके okay. अदब वाला बच्चा है। ओके okay. हर किसी को 15-15 मिनट देता है। अच्छा देता है बात करने का मौका देता है, और चैंपियन भी जीता हो। चैंपियन जीता तो एक्सपीरियंस है इसको। हाँ नहीं अदब वाला बच्चा है कसम से, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। अच्छा तो इज्जत करना जानता है, इज्जत देना जानता है। बस ठीक है तो सर कुर्ते की तारीफ करें यार। क्या मतलब नहीं आज अच्छा है, आज वाकई कुर्ता हाँ, अच्छा लग रहा है। उस दिन वाला नहीं पहना था, उस दिन समझ लग रहा था, आज वाकई ही लग रहा है कि कवाली ले कर रहा है। अभी यहाँ सलामी होंगी, अच्छी तीनों हैं, तीनों अच्छे हैं। हाँ तीनों अच्छे अपने अपनी जगह, तीनों अच्छे। अच्छा भाई आप में से टीम लीडर कौन है आज?
हमाद इसको मैं मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने दो साल स्कूल में बिफोर डूइंग द शोज वगैरह मैंने पढ़ाया है दो साल, तो मुझे थोड़ा बहुत है कमांड, तो देखते हैं। अच्छा हमाद, आप जारी बात है चैंपियन जीते भी हैं, आपका ताल्लुक जो है आपने कहा केपीके से है, तो आप कराची में फुल टाइम काम भी करें, क्या करें? अच्छा अहमद भाई, मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। ओके, सो आई हैव वर्कड विद सेलिब्रिटीज एज वेल। अच्छा मेरा दो, ये दो हैं आपके आसपास दोनों सेलिब्रिटीज हैं? नहीं, इसके अलावा मैंने ये तो नहीं बोला, नहीं मैं ये सेलिब्रिटीज को काउंट, जो मेन स्ट्रीम के सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ भी आई हैव वर्क। तो वो मेन स्ट्रीम के हैं, ये कौन सी स्ट्रीम के हैं? दे आर डिजिटल मार्केट, मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके ओके, छोटी कैटेगरी, मतलब नहीं ये अपनी जगह पे अपनी जो इनकी फील्ड है उसमें। आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं आपसे नॉर्मल सवाल कर रहा हूं, लग रहा है वो वहां से ठुड्डा मारेगी, वो वहां से तो उसके साथ साथ आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? मैंने अपने इलाके के छोटे से एक स्कूल था जो घर के पास था वहां से पढ़ा है, तो वहां से पढ़ के आगे छोटा सा, बिल्कुल अहमद भाई बचपन में ऐसा था कि वो स्कूलिंग इतनी ज़्यादा है, जो एक्सपेंसिव जो स्कूलिंग थी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। okay. तो वहाँ से पढ़ के यहाँ तक पहुँचाऊँ, तो बताने और का आज आप और आज आप जो हमारे साथ गेम खेलने लगे वो तो है ही सारी स्कूलिंग के ऊपर, हाँ। सारे तो सब्जेक्ट्स पे बिलोंग करते हैं, और उन दोनों ने आपको अपना कैप्टन बना दिया, क्योंकि उन लोगों को भी जो आता है ना नहीं नहीं मेरे दोस्त हैं और इनको बहुत कुछ आता है, इनको बड़ा कुछ आता है, इनको उल्लू, इनको उल्लू बनाना बहुत अच्छा आता है सर, उल्लू बनाना भी आता है। अब मुझे लेकिन देख, मैं बताता हूँ अहमद, मुझे देख रही है, अब इनको बनाना नहीं आता, लेकिन अगर लोग अब बन जाते हैं तो अब कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? दोनों खातिर हजरात गेम का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगी, कैटेगरी दिखाएं जी, कैटेगरीज के अंदर से चूज करें, वाइजली चूज करें कि कौन सी कैटेगरी से आगाज करना चाहेंगी, क्योंकि जो आप कैटेगरी चूज करेंगी अगले दो सवाल उसी कैटेगरी में से होंगे। एनिमल किंगडम सबसे ऊपर है तो उसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके साथ दोनों एनिमल्स हैं एक नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ना हो। तो एनिमल किंगडम अगर आप लॉक करना चाह रहे हैं, बजर दबा दें, मैं फिर आपको लॉक कर दूंगा। एनिमल किंगडम आपने लॉक कर दिया, आप भी दबा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा देख के, क्योंकि यहाँ डॉल्फिन नहीं है, ठीक है? अबे क्या नए ब्रेक डलवाया तूने अपने मुंह में? खातिन हज़रात मुझे एकदम वो ड्रोना ख्वाब याद आ गया। आप सिर्फ चेक करें कि एक लड़के को एक लड़की किस तरह छेड़ती है। मतलब एक लड़का घर जा रहा है और एकदम अगर उसको ये हंसी की आवाज आए तो वो सो नहीं पाएगा यार। ऑलराइट, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चा आपके पास आएगा? इस हंसी के साथ तो नहीं आने वाला जी। पहला बच्चा कौन सा चूज करेंगे? है बताए जल्दी 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 कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कश्यप बता कश्यप इब्राहिम इब्राहिम ज़ियान की विनिंग स्ट्रीक चली गई। ज़ियान पहले सारा करना था ना भाई, हर दफा ज़ियान पहले आता, आज आपने इब्राहिम को पहले ले लिया है। इब्राहिम अगले दो सवालों के साथ आपके लिए हैं, और शेबी जी आपने इनकी हेल्प करनी है, इनको कंफ्यूज करना है और कोशिश करना है कि यहाँ से ये सिर्फ 5,000 रुपए लेके जाए। ठीक है ठीक है डन। हाँ इब्राहिम तो फजीला की टीम में भी था जी। ऑलराइट, आप लोग का पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए ये है। एनिमल किंगडम का सवाल है, विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? कौन सी क्लास है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं? बताओ। अब ये ना कहना मेरी नौवीं क्लास थी उसमें बहुत ज्यादा जानवर थे। ज़ू में होते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। क्या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो कश्यप मुझे बताओ, एनिमल से तो वैसे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। हाँ, बहुत लगाव। सर ये सांप लेके घूमती है, ये सांप लेके गले में कभी या नाक में घुसा लेते हैं। बड़ा सांप है ना। शुक्र है आपने कहा गले में लेके घूमती है। सर ये चैंपियंस में रह चुके हैं तो इसने बहुत एक्सपीरियंस। मुझे सांपों से बहुत प्यार है और वैसे भी आस्तीन के सांप तो मैं वैसे ही लेके घूम रही होती हूँ। बेटा जिसमें तुम्हारी आस्तीन है ना उसमें एनाकोंडा होगा। शराबी सबसे पहले आस्तीन में से तुम्हारा मुंह ही बाहर आता है। मुझे आस्तीन में रहने दो। शराबील जो है वो बेचारा थोड़ा सा इंटिमिडेट हुआ है, डर रहा है वो, उसको समझ नहीं आ रही। असल में जुमले इधर से गलत आएंगे तो गलत ना चलाया कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बताइए, आंसर दीजिए। ओ भाई हेलो, गेम भी खेलने आए हो, 5,000 रुपए जीता है कि नहीं जीता? चलो तो ऊंचा बोले, डिस्कशन कर। अच्छा कश्यप को इग्नोर किया हुआ दोनों ने, ये देखा।
घर के घर की बातें शुरू कर दी बेटा हर जगह तुम्हें तो डिस्कस नहीं कर सकता ओ हेलो चलो तमीज से मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं की सर आपने मुझे ये नहीं सिखाया नहीं नहीं मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया मैं अगर इसको सिखाने पे आऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद इसी तरह का जी है बजर आपने दबा दिया है चलो अब इधर से 14 अगस्त बना रही है इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स आपने कहा इंसेक्ट्स विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स इज इट ट्रू चलो यार बेहतरीन भाईजान अहमद भाई क्लास इंसेक्टा या क्लास इंसेक्ट्स इस तरह से इंसेक्ट नहीं जो भी था फॉल्स है आप 5,000 रुपए भी नहीं जीत सके खवातीन रवि दूसरे गेस्ट भेजो वाह वाह तालियां भाई इनके लिए इनके लिए तालियां चलो आपने और ट्रू अच्छा ठीक है अगर ये गलत होता तो आप लोगों पे सवाल किया जाता कि कैसे तीन लोगों ने मिलके जवाब दिया है तीन लोगों ने मिलके जवाब दिया ये तो इंसेक्टा हो ना इंसेक्टा अच्छा ऐसे इट इज क्लास इंसेक्टा हाँ इंसेक्टा ओके ठीक है आपने इंसेक्टा का और वो ट्रू हो गया मुबारक हो 5,000 रुपए आपके हो गए तालियां अच्छा जी 5,000 रुपए आपको मिल गए अगले 10,000 रुपए के लिए खेलना चाहेंगे तो बजर दबा दे के 10,000 रुपए के लिए नहीं खेलना चाहते तो वापस घर चले जाएं 10,000 रुपए के लिए आपका सवाल अगला ये है और वो है इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक खवातीन हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं आप देख रहे हैं कैंगरू के बच्चे मेरा मतलब है छठी के बच्चे आपसे Welcome back from the break, ladies and gentlemen. आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे छठी के बच्चे और आज हमारे पास आई हुई हैं कशफ फजीला और हमाद तीन सहेलियां तीन दोस्तों की जोड़ियां जो थोड़े देर में लड़ने वाली हैं नहीं आज नहीं सर लड़ते सब लड़ते हैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अब जरूरी नहीं है हर वक्त हंसते ही रहे मुंह फाड़ फाड़ के अच्छा आपने एनिमल किंगडम चूज किया 5,000 रुपए आप जीत चुकी हैं और आपने बजर दबा दिया था अब आपका अगला जो सवाल है वो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए के लिए है 10,000 रुपए का आपका सवाल ये है जो एनिमल किंगडम का है हाउ मेनी आईज डज अ बी हैव एक बी की वेरी नाइस सौ वेरी गुड मतलब आपने बजर नहीं शाबाश उस बी में कुछ भी नहीं है सिर्फ आंखें ही है ना अच्छा ये वो बी नहीं है जो तुम्हारे मोहल्ले में रहती है जिसकी 100 आंखें हैं रहती है हाय आज रक्षंदावा जी ने क्या बनाया था सही आदतें शराबील में भी हैं तुम यही काम तो नहीं करते बेटा कब देखा कब झांका मैंने अभी भी तो क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहा इस शो में क्यों रखा गया तुम्हें क्यों रखा गया बताइए जी लड़कियां करीब से देखने के लिए भाई भाईजान वो लाइब्रेरियन है बताए आपको पता है उसकी नॉलेज कितनी है बताएं आप मैं अभी ये देखें भाईजान मुझे बताएं सबसे पहले भाई एक मिनट ये देखें पाकिस्तान का कैपिटल क्या है पी वेरी गुड कोई रटा हुआ जोक मारा है तुमने कोई हंसी नहीं आई कुछ भी नहीं आया अब यही देखें यही सवाल मैं इनसे पूछता हूँ कराची का कैपिटल बताएं सर कराची का कौन सा कैपिटल होता है अरे इसको पता ही नहीं है जाहिल वाह 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 वाकई क्या तू बता कराची का पता मैं खेलना आया हूँ अच्छा जी अब आप मुझे बताएं आपने कहा कि बी की 100 आंखें होती हैं ठीक है ना आपके मोहल्ले वाली की तो 100 आंखें होती हैं लेकिन नॉर्मली बी की कितनी आंखें होती हैं अच्छा बी से डर तो नहीं लगता आपको नहीं बिल्कुल लगता है अगर वो काट ले ना गलत तो फिर पता लग जाता है गलत काट ले मतलब क्या मतलब है अगर बी काट ले अबे बी की बात हो रही है भाई मतलब गलत काट ले अगर क्या गलत क्या काट ले एक मिनट ब्लैक बी की बात नहीं हो रही प्लीज स्टे आउट ऑफ इट अच्छा तो आप कह रही है कि अगर बी गलत काट ले तो सही वो किस तरह काटती है वो आराम से आके बैठे हो गलत जगह पे काट ले अगर अच्छा अगर बी काटे तो कैसे हंसते हैं गो बस करो तुम जैसे बड़ी नाजुक जगह पे काटा हंसी निकल गई इसकी
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई जान। हेलो हेलो, हम छठी के बच्चे आपसे अच्छे खेल रहे हैं, आप लोगों ने किस बी को बी बना दिया है? अजीब सर, एक मिनट जी 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 बताइए। कितनी आंखें होती हैं? दो दो चार एक, वो बी है आठ बेटा, वो जेट है। आज सोचने दे उनको, तीन होती है, पांच होती है, एक इधर चार। अच्छा कहती तीन होती, तीन या एक यहाँ होती है। यहाँ से बैठ के योगा करती है। बी को सर हमने वैसे बी को इतना करीब से देखा नहीं है। अच्छा आपने बी को करीब से नहीं देखा, हमने तो उसको मुंह में रखा होता है ना, हमें तो पता होता है ना। हाँ पप्पी की लड़की है। एक इधर एक इधर एक इधर एक का सर कैमरे में देख के बताएं कैसे होती है, बताएं। एक इधर एक इधर, ये बी नहीं कुछ और ही होता है ये, या मैं या इधर 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 इधर, ये बी 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 ब्यूटी पार्लर से आई थी। इधर 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 रात, मुझे लग रहा है कि आज का शो ओके बजर दबा दिया। आई थिंक 5 आपने मतलब जवाब तो दे दिया। अच्छा 5 क्यों? अच्छा कैसा आप बताओ? 6 क्यों? मैं बताऊं आप 5 क्यों? जी जी प्लीज आप बताया। इधर 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 और इधर मतलब मक्खी की फिटिंग उल्टी कर दी। दिनों रात इन्होंने बताया बी की 5 आंखें होती हैं और फजीला की 6 आंखें होती हैं, जो एक उसके मुंह में भी है। उसने कहा सीसीटीवी का काम तो आप इस तरह देख रही हैं। देखो कौन आया है, कौन आया है, फजीला मुंह खोल के देख सामने कौन खड़ा है। एक मिनट मैं इसका जवाब बताता हूँ, ठहरो। कितनी अच्छी बात है, किसी किसी के दरवाजे में 6 को झांकी ही कैसे? मैं ज्यादा नहीं हंस सकती हूँ। क्यों ज्यादा? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कशफ कशफ कशफ, किसी के दरवाजे में 6 तो झांकी ही कैसे? ओए बस सीरियस सीरियस, अब नहीं हंसना, खपतदार हंसी वो इस बात भी हंसेगी। मैं सीरियसली तुम्हें देख रहा हूँ। आपकी बात से मुझे एक और बात सोच के बहुत हंसी आ रही है। आइए शराब भी बोले ना, किसी के गेट पे जाओ, मेरे गेट पे नो, किसी के घर में करवा दो। ओए क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाईजान? बस अच्छा जी, इससे आपने कहा 5 आंखें, आइए इसका जवाब देखते हैं। 5 इज ट्रू। आप लोग कहाँ पहुंचे हैं? मनी ट्री में आप पहुंच चुके हैं 10,000 रुपए के ऊपर, और 10,000 रुपए के लिए अगर आप बजर दबाएंगी तो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपया आपसे गया, और 25,000 रुपए के लिए आप खेलने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो क्या ओके 25,000 रुपए? अच्छा जी इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच, आपने इनके साथ 2 सवाल खेले। अब कौन सा बच्चा आएगा, कौन सा बच्चा आएगा? जयान, सॉरी यार तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी। जयान ने इतनी अच्छी आंख मारी, कब से आंख मारे? क्या बात है अब बेटे, अब तो कोई फायदा नहीं है। वेरी नाइस, क्यूट बच्चा है। ये देखो, ये बड़ों के हमाद बनाएगा। ये वेरी नाइस, जयान आ गया जी, कूल बॉय। अच्छा जी जयान, आपने चूज कर लिया, अब कैटेगरी भी चूज करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी कैटेगरी आप खेल चुकी हैं। एनिमल किंगडम आपने खेल लिया है, पीछे आपके पास बचा फिजिक्स, मैथ्स, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, रिडल्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज और जर्नल नॉलेज। साइंस नहीं, साइंस क्यों? वजह क्योंकि हम, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि साइंस का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो जवाब दे देंगे। और सर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, मैं दोनों पे बहुत कॉन्फिडेंस। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं फजीला, क्या आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? सर मैंने इंटर कर लिया। कहाँ इंटर करना है? कर लिया। किधर किया इंटर? कर लिया के करना है? कर लिया। कर लिया, अच्छा कहाँ किया? बॉल के अंदर, डीसीडब्ल्यू इंटर हो गई है। अच्छा तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था बचपन में? बोले कि सब्जेक्ट भी होते हैं। नहीं बिल्कुल होते हैं, तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, मैं नहीं हो सकती, चुप करके खड़े हो जाओ पीछे। ओह यस, डोंट डिस्टर्ब यू ऑफ द मी, स्टे आउट ऑफ इट, इट इज द इंग्लिश ऑफ आई नो, टॉक टू माय हैंड प्लीज।
से बातें कर सकते हैं। I'm busy right now with Ahmed Ali Butt. Okay. Oh. Ahmed Ali Butt. ऐसा मेरा favorite वैसे था chemistry का। Ahmed भाई आपके नाम। अच्छा आपका favorite है chemistry। हाँ। Chemistry। बहुत अच्छी बनाती है ये। किसी के साथ बनी chemistry अभी तक नहीं बनी। नहीं नहीं नहीं। Ahmed भाई आपके नाम, आपका नाम बहुत अच्छा है। तू रख ले। Ahmed Ali Butt. इसने बट पे जो जोर दिया ना, मैंने कहा पता नहीं कोई नई उसमें चीज बताने लगा मुझे। नई इनसाइड जोक है वो, हमारे अंदर की बात है ना। अच्छा क्या है, अहमद अच्छा है, अली अच्छा है या बट? जिला बताओ। अहमद अली बट अच्छा है। मुझे तो बट अच्छा लगा। बट अच्छा लग रहा, तुम रख लो बट। नहीं मुझे अली बट, अली बट नहीं। हाँ सर क्या होगा, क्या हो गया, शर्मा क्यों रही क्या हो गया तुम लोग को? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नाम है अली बट, तो रिएक्ट क्यों कर रही है? अच्छा उनका नाम है, उनका नाम है अहमद अली बट, न्यूटन अली बट। सर इनको अच्छा लगा। ओके आपने चूज किया साइंस। यस। बजर नहीं दबाया अभी तक आपने। ओके साइंस लॉक हो गया। अच्छा जी अब आप लोग 25,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं। 25,000 रुपए तीन में अगर डिवाइड होगा तो कख भी नहीं आना, मगर 25,000 रुपए के लिए आप लोग के अगले दो सवालों के लिए ज्यान आपके साथ है। ज्यान काफी सीरियस हो चुके हैं, है ना। पहला सवाल आपका 25,000 रुपए का ये है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर एंड नेम देम। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर एंड नेम देम। बजर दबा दिए। हाँ। ये गलती से तो नहीं हुआ, केजी टू में पढ़ा था। केजी टू में पढ़ा था। अच्छा चले अब आपने जो बजर दबाया और आपने केजी में जो पढ़ा था उसका जवाब क्या है? दो। फोर। है? फोर। या दे यूज्ड टू बी थ्री और आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जिसका फोर्थ स्टेट था वो मेरे ख्याल है वो हुआ था। पहले उसको स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर नहीं करते थे, आप करते हैं। अच्छा तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा ये जो चार स्टेट्स बताए हैं ये अमेरिका के अंदर है? फजीला जल्दी से बताए। सर अब मैं अमेरिका तो नहीं गई थी। सर मुझे इतना याद है कि मैंने कि थ्री स्टेट्स से सॉलिड लिक्विड गैस जिसके बबल से एक साथ है, मुल्तान का। उन्होंने चार स्टेट, उन्होंने चार स्टेट्स के नाम लिए ना, तो पांचवा एक और स्टेट है अमेरिका का, वो कौन सा है? पांचवा स्टेट है। हाँ शाबाश अमेरिका में बड़े स्टेट्स होते हैं। आपने चार स्टेट्स का नाम लिया। सर यहाँ मैं पाकिस्तान का पूरा नहीं। अच्छा मुझे ये बता दे ये जो चार स्टेट्स का नाम इन्होंने लिया है ये अमेरिका में करीब करीब है या दूर है? सॉलिड करीब है। यार यार अजीला आदिल हजरत थैंक यू वेरी मच, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपना जाके सर फाड़ने लगा हूँ। थैंक यू जी भाई जान। अब मैं बता रहा हूँ आप लोग। अच्छा तो सुन लो, पूरी सुन लो उसकी भाई। सॉलिड करीब और सॉलिड, मैं पता है तुम पढ़े लिखे। नहीं मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा सॉलिड करीब करीब है, लिक्विड थोड़ा दूर दूर है। अच्छा और गैस हवा में। यार और गैस हवा में उड़ रही है। यू बेटर नो। चार चार इन्होंने आंसर दिया है, लॉक करें चार। बताए जी चार सही है जो अमेरिका के करीब करीब स्टेट है। ट्रू है जी, वाह 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 वाह। हमाद वेरी वेल प्लेड, हमाद वेरी वेल प्लेड। अच्छा ये तो हो गए स्टेट, ठीक है ना। तो द स्टेट ऑफ द मैटर दैट यू आर इन राइट नाउ उसमें ये आता है कि 25,000 रुपया आप लोग जीत चुके हैं। तालियां। बस स्टेट्स की खैर है, पैसे आ रहे हैं ना बस। 25,000 रुपया लोग घर जाओ। नहीं नहीं क्योंकि जिस जिस तरह आगे जाओगी मीम्स बढ़ती जाएगी। कोई बात नहीं सर। अहमद भाई इतने में हम लोगों का एक टाइम का खाने का बिल बनता है। 25,000 हो गए ना सर। ओ तीन लोग खाना खाते हो, दूसरों का हक खाते हो। नहीं नहीं हम अच्छा आप खाती भी इस तरह देख के ऐसे मुंह ना खोल दे कहीं। अरे तो अच्छा ये खा रही होती कहती हाय मिर्चियां आ गई आंखों में मिर्चियां आ गई। नहीं ना तो इधर वाली आंखें भी तो बताई थी। अच्छा यहाँ वाली आंखें भी हैं। कितनी बात नसीब है किसी को अपनी आंख डोनेट भी कर सकते। काम की आंख लेकिन यही वाली है। हाँ बिल्कुल यही वाली आंख है। अच्छा आगे खेलना चाहोगे या 25,000 रुपए लेके खेलेंगे? ओके 50,000 रुपए के लिए अब आप खेलने वाले हैं। जा रही है 50,000 रुपए का सवाल अब आपका आने वाला है। जवाब तो हम दे सकते हैं। 50,000 रुपए का सवाल आपका ये है। मैं भी दे रही हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वल? किस टेम्परेचर पे जाके सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होते हैं? सेल्सियस और फारेनहाइट किस टेम्परेचर पे जाके इक्वल हो जाते हैं? कशफ को पता है इसका जवाब। अच्छा अब मुझे देखें वेट आता है ना, करना वेट करना आता है। जी जी सर ऐसा तो आता है। सेल्सियस कितने होता है? 100 केजी होता है, दो मतलब या 200 केजी होता है, कुछ आइडिया है? बताओ बताओ सारे जवाब मैं क्यों दूं तुम लोग?
दो दो आप बोलने तो दो बोलने तो यार उसको। अच्छा सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है ये बेसिकली यूनिट्स होते हैं इंटरनेशनली जो है ना टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूज होते हैं। बिल्कुल। तो अब ये किस पे इक्वल होते हैं, मैं फटाफट से फॉर्मूला याद कर रहा हूँ। हाँ करे करे वो दोनों वो तो आपको पता कश्यप तो जो है वो अभी प्लैनेट नंबर 9 पे है। प्लूटो प्लूटो पे है वो, प्लूटो पे नहीं इसको मैं ही तो नीचे से सब बता रही हूँ। नीचे से बता रही हूँ वो मुंह से देख रही है, वो नीचे से बता रही है, क्या उल्टे लोग बुला लिए। अच्छा एक मिनट कश्यप तुम्हें ये तो आता है फिर कि टेम्परेचर किस चीज से मेजर किया जाता है, फुट्टे से या इंची टेप से, जल्दी बताओ जल्दी, है भी बोनस सवाल। तो दोनों में से किसी से भी नहीं किया जाता। फिर किससे किया जाता है, मैं क्यों बताऊं मेरी मर्जी। नहीं नहीं हमें जानना है, इतना बता दिया ना कि इन दोनों में से नहीं होता। फजला की तरह थोड़ी ना उन दोनों में से कोई एक बताऊंगी। थर्मामीटर से होता है, उन दोनों में से क्यों बताऊं जी, किससे होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर ओ यू मीटर मीटर जी। अब बताइए कुछ आया माइंड में आ रहा है? माइनस फोर्टी पे जाके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं। बिल्कुल। अब बोलना था। लॉक कर दिया। 110% अगर जवाब गलत हुआ तो आप यहाँ से लेके जाएंगे। मैं एक नहीं सर शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पढ़ाया था, तो सही है 200% सही है। सर शफकत, सर शफकत असली सर शफकत है फजीला भाई, उसके सर का नाम है शफकत, तुम्हारे सर का क्या नाम है? सर मेरे सर का नाम है दिलशाद। दिलशाद और तुम्हारे? मेरे कोई सर ही नहीं है, मुझे पढ़ाई का। उसके सर भी है पैर भी है। हाँ वेरी गुड। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? मैं भी एक कोने पे पड़ी रहती हूँ मोबाइल लेके सिर्फ, और क्या। इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। और क्या बस, और क्या करना है शाम को? माशाल्लाह इसका जवाब दे रहे ना हम सब। इसका यहाँ टीका देखा हमने, जो पैदाशी टीका होता है हमारे टीके हैं, इसका पंचर लगा हुआ है। तुम्हें बस और कुछ नहीं मिला देखने को? और नहीं तो जगह खोल के आई इंजेक्शन की। अच्छा भाई आपने कहा माइनस 40, तो माइनस 40 के अंदर आपने अगर इस सवाल का जवाब सही हुआ आप जीत गई 50,000 रुपए। इज अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है जी देखते हैं कि आप लोगों का जवाब सही है या गलत। अभी लास्ट जी माइनस 40 इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। सही जवाब है। ये चीज क्या बात है, क्या बात है जी। मेरे बताए हुए भाई ज्ञान आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। शेर है जी, बताइए बताइए। सिर्फ चलने की खुशी तोहफा है मंजिल है अदम, सिर्फ चलने की खुशी तोहफा है मंजिल है अदम, रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं। अब आप इसको हमें एक्सप्लेन करके बताएं। इसको पूरा तो बोलने तो खत्म आगे नहीं इतना ही है, इतना सा। अब हमें समझाएं थोड़ा, आप हमारे लिए शेर लाए। मैं चाहती हूं आप बच्चे के शेर के ऊपर इन्होंने पानी दे दिया। मतलब इतनी उर्दू पूरी जिंदगी में नहीं वो सुन सही है, उर्दू समझ आनी चाहिए। अब आपको पता लगा कि आप किस लेवल पे आए हुए हैं। एक बार फिर से सुनाओ इनको, एक दफा फिर से सुनाओ। फजीला हमें एक्सप्लेन कर दो। ओके सुनाओ, इसे सुन लिया फजीला, तुम सुनाओ एक बार। अच्छा एक बार सुना। सिर्फ चलने की खुशी तोहफा है मंजिल है अदम, सिर्फ चलने की खुशी तोहफा है मंजिल है अदम, रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं। हाँ ये वो रास्ता जो लियारी की तरफ नहीं जा रहा होता, जा खड्डे बड़े हैं। बहुत थक के आ गए इनको ये समझ नहीं आएंगे शेर पे। वाह वाह यार बेटे बहुत हाई लेवल का तुमने। बहुत हाई। अभी मैं सुनाऊं? दयान दयान वेरी गुड वेरी गुड यार। मैं सुनाऊं वो समझ आ जाएगा इसको। अब मैं आपको बताता हूँ इनके लिए शेर, ठीक है? प्लीज अर्ज किया है इरशाद, इरशाद गधे पे घोड़ा सवार। अर्ज किया है गधे पे घोड़ा सवार। ए बड़े वाले तकिए सुनने शेर तमीज से। ओके अर्ज किया है इरशाद, वाह 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 वाह। अर्ज किया है 1 2 3 आय हाय हाय वाह 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 वाह। 1 2 3 मैथमेटिक्स शेर, ठीक है जी? 4 5 बच्चे ने अगली लाइन भी सुना दी। 6 7 8 अबे इस तरह तो 100 तक 11 1 2 3 यस यस वाह वाह वाह, ठीक है जी? व्हेन वी विल बी फ्री, आधा वर्ष आधा वर्ष। देखा 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 ये समझ आ गया, समझ आया, ये समझ आया, भी आ गया, कनेक्ट किया। हर्ट टू हर्ट, हर्ट टू हर्ट, हर्ट टू हर्ट टू हर्ट।
यार अहमद भाई हर्ट टू हर्ट ओके तुम्हारा हर्ट तो नहीं टूटा अहमद भाई बहुत बार टूट चुका है बहुत दफा टूट चुका है सर जिससे पूछेंगे वैसे लगा लगा के अगर अगर आपका हर्ट टूटा है तो उसको तो बहुत ज्यादा हार्ट हुआ होगा बिल्कुल हार्ट हुआ है काश कोई ऐसा होता जिसका दिल ना टूटा होता आप दिल नहीं आप तो बिल तोड़ने वाली हैं तोड़ा भी हो अच्छा जी ज़ियान आपने दो सवाल इनके साथ खेले और इनको शेर सुनाए जो इनको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं हुआ आपके लिए तालियां थैंक यू ज़ियान 50,000 रुपया आप जीत चुके हैं मनी ट्री की तरफ बढ़ते हैं जी मनी ट्री दिखाइए इनको बहुत अमीर हो चुके मनी ट्री पे आप लोग 50,000 रुपए पे आ चुके हैं और अभी इसी वक्त 50,000 रुपए कैश लो खुदा के वास्ते घर जाओ हम पूरा खेल के जाएंगे सारी बात ये है कि इसमें से 20 रुपए शराबील को भी देने हमने फायदा खर्चा मैं तुझ पे करूंगा क्यों शराबील बजर आपने बजा दिया है आपने मेरी ऑफर ही नहीं सुनी आपने बजर बजा दिया 50,000 रुपया अब चले गए अब आप 1,00,000 रुपए के लिए खेलने वाली हैं अब एक कैटेगरी में से एक सवाल होंगे ठीक है जी तो खवातीन हजरात कैटेगरी बताओ अब कैटेगरी की तरफ पहले बढ़ते हैं देखते हैं कौन सी कैटेगरी आप खेलना चाहेंगी दिखाइए जी कैटेगरी थी हमारे पास एनिमल किंगडम चला गया साइंस चली गई हमारे पास फिजिक्स बचा पर्सनालिटी कल्चर इंग्लिश जनरल नॉलेज सोशल स्टडीज रिडल ज्योग्राफी स्पोर्ट्स और मैथ्स बचा है कौन सी मुझे बताओ मैं आप मेरी मर्जी से होगा क्या होगा जब आप भी देना देखो कश्यप हर दफा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अच्छा एक विषय भी उनको जरा चूज करने दे जी सोशल स्टडीज इज द स्टडी ऑफ सोशल मीडिया यस आप टीटी लाए टीटी मेरा दिल को लग गया सोशल स्टडीज अगर टीटी लाए तो प्लीज या तो मुझे मार दें सोशल स्टडीज इज द अख्तर लावा लावा द पावा खवातीन हज़रात एक छोटा सा लावा लेते हैं और प्लीज ले लें मेरे ख्याल में कायदा आज़म शर्मिंदा और होंगे प्लीज क्योंकि सोशल स्टडीज रीडिफाइन हो गई है भाईजान क्या बात कर दिया उसने आज आपने सोशल स्टडीज लॉक कर दिया है और सोशल मीडिया से हम पूरा सवाल करेंगे आपसे खातिन एक छोटा सा सोशल मीडिया का ब्रेक लेते हैं मेरा मतलब सोशल स्टडीज वाली ब्रेक लेते हैं आप देख रहे हैं छठी के बच्चे इनसे वाकई नहीं अच्छे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक अब हम लोग एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं जिसका नाम है सोशल स्टडीज जो कि इज द स्टडी ऑफ सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू आवर कशफ फजीला से पूछे सोशल स्टडीज क्या होती है स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड सोशल स्टडीज Alright, खवातीन हज़रात इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊं कि हम लोग क्या कर रहे हैं आपने मुआशरती तालीमात क्या बात है नई बात बताई इसने हमें पता नहीं था अच्छा जी तो मुझे भी पता था लेकिन मैं चाहती थी कि सोशल मीडिया के बारे में भी बताऊं ना अजीब औरत है यार अजीब अजीब तो सब एक साथ अजीब आपको माशर्ती लगती है तो आप भी खाए हम सोशल लगती है हम हिस्ट्री बोलेंगे आप जो मर्जी बोले अच्छा सबसे पहले मैं फिर अब आगे एक दो जरा सवाल जरा करना चाहता हूँ सबसे पहले तो कश्यप आपसे हम बात करेंगे कश्यप मुझे बताएं आपने ये बचपन से स्पीड पकड़ी थी ऐसे जवाब देने की कि आप हैं ही ऐसी मैं पैदा जब हुई थी जी जी तो फिर डॉक्टर से भी मैंने खुद ही सवाल किया कि मैं क्यों पैदा हुई हूं पैदा करते हुए ये तो नहीं पूछा था कि छोड़ो अच्छा आपने चैंपियंस का ऑडिशन दिया था हाँ। आप सिलेक्ट क्यों हुई थी
मैं सिलेक्ट क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने फतीला तुम बताओ। अच्छा भाई एक मिनट उसको बात करने दो, ओवरलैप ना करो एक दूसरे को। जी बताएं। सिलेक्ट ऐसे हुई थी क्योंकि वो मैंने एक मिर्ची खिलाती थी एक इंसान को। क्या क्या? हाँ उनको फोर्स करना था कि मिर्चे खा लें प्लीज आप। फोर्स करने ना, कन्वेंस और फोर्स में फर्क क्या है? अच्छा मेरे वर्ड्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं बोलते बोलते वर्ड्स भूल जाती हूँ। ये तू बहुत अच्छा करती है। रिलैक्स करके बताएं, रिलैक्स करके बताएं। जी बताएं। अच्छा तो हुआ ये था कि उसमें एक बंदे को मिर्चे खिलानी थी, तो बस मैंने उसको मिर्चे खिला दी थी और बस उसके अंदर थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। फिर वकार भाई ने कहा क्यों इमोशनल क्यों हुआ था, क्या स्टोरी क्या थी? वो ब्रेकअप स्टोरी। ब्रेकअप स्टोरी थी। हाँ, वो गाड़ी वाली ना। पहले मैं अपने वेट को लेके बहुत वो थी, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियस। हाँ ये जो बोल रहा है कॉन्शियस थी। तो फिर ये हुआ सीन कि मेरे वेट, मुझे लगता था मैं मोटी हूँ तो ये नहीं हो सकता वो, लेकिन नहीं, आपने बड़ा वेट वैसे लूज किया हुआ। सच में। अब बाकी का वेट लूज करने के लिए इसने एक बंदा रख लिया। कैसे सर, अभी जरा आप उसको वो करें, जिम इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करें। वो आंखें आ गईं। अच्छा मुझे बताएं, चैंपियंस में अगर आप विनर होती तो आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन था? कोई भी नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वहाँ पे जो है ना ये सीन था कि वहाँ पे वो लड़कों के साथ मिलके ना, मैं ये जानती थी कि मुझसे कोई लड़की जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई भी लड़की मेरे सामने आके खड़ी होती थी ना, मैं उनको यूं हरा देती थी। लेकिन वो क्या करती थी, लड़कों के साथ प्लानिंग करके वो प्यारी प्यारी वो फिर लड़कों को बचा के फिर उनके साथ जो है वो मेरे आगे आ जाती थी, फिर लड़कों के साथ तो मैं नहीं जीत सकती। एक नाम बताओ किसी लड़की का। सॉरी शराबी, मैं किसका नाम नहीं पूछा। चले हाँ, वैसे एक लड़की बता दो, बिल्कुल ही जहर लगती थी। बिल्कुल ही जहर लगती थी उस वक्त। तो भाई देखें, वो तो हमारा जो है कॉम्पिटिटर था सामने, तो उस वक्त ये होता है कि बोल नो, तो मैंने मारा भी बहुत है उसके अंदर ना। पहले मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था और मैं बहुत वैसे घर से आई थी। कौन थी जिसे आपको वाकई नफरत हो गई थी? लेकिन वो मेरे ख्याल में टाइम खत्म ही हो गया था। हाँ अच्छा बोलने दो ना, कौन थी वो जिसे नफरत? मतलब नफरत तो नहीं थी मुझे किसी से, मगर अच्छा बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। बुरी भी नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन अब ये कि सब बहुत अच्छे पता। हाँ। वो पहले स्क्रीन उस वक्त था, आप कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन ये मैंने मारा बहुत है उसके। वैसे मारा बहुत है, मैं वैसे प्यार करती हूँ लेकिन मारा बहुत है उसके। चलो उसको पता तो चल गया। अच्छा किसको आपने मारा था पकड़ के? नहीं हुआ ये सीन था कि मेरी टसल जो थी ना राबेल के साथ थी, वहाँ उस चैंपियन में ना राबेल मेरे साथ बहुत पंगे लेती थी और उसने मुझे स्टार्ट में मारा भी था। मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था। बाद में जब मुझे खार चढ़ने टसल आया कि मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ना, तो जब हमारा फिनाले था ना मुझसे, वो उसने क्या करा मुझसे उसकी जगह कोई और लड़की पिट गई, क्योंकि वो बीच शोर से चली गई थी। तो आप उसको सॉरी कहना चाहती? कह दें सॉरी। हाँ मैं उसको सॉरी कहना चाहूंगी, मैंने वैसे भी सॉरी किया और मैं अभी भी कहूंगी कि भैया मैंने उस वक्त गलत किया था, तो आई एम सॉरी। और मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें स्क्रीन पर सॉरी करी, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर ही तुम्हें मारा था, तो आई एम सॉरी। और हम लोग अब अच्छे दोस्त भी हैं। क्या बात है। ये अभी आप वही है जिसके साथ दुआ आई थी हमारे? नहीं, 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 आपने लेकिन शो में थी ना अभी? हाँ, अभी अभी वॉक ऑफ करके चली गई। हाँ, अभी नकवी को मारा था आपने? आपको सेल्फ डिफेंस भी आता है। लेट्स सपोज कोई लड़का अगर आपको छेड़ता है तो आप उसके साथ क्या करती हैं? आपने कुछ नहीं कहेंगे? नहीं जरा करके दिखाएं, कैसे करेंगे आप? मैं दाव दे दूंगी एक, जरा बताएं ना, जरा करें। रेडी गो। ओए ओए अबे दे भी देगी ये बिल्ली पे केचप लगा के खा जाती है। मुझे ये है कि मैं लड़कियों को ये बोलती हूँ कि भाई किसी भी लड़की को ना डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ऐसा आए तो मुंह तोड़ देना चाहिए। क्या बात। और वो जितना डरती है ना उतना लड़के उनको डराते हैं और फिर वो बेचारी। तुमने वो क्या रखा हुआ है अगर कोई छेड़े तो? वो मेरे पास करंट है 12,000 वोल्ट का। तो तुमने क्यों लिया? तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें कोई छेड़े? 12,000 वोल्ट का करंट है आपके पास? क्या होता है वो मेरे मुंह से वर्ड गलत निकलते हैं। चले फजीला, हम आपसे भी जरा बात करना चाहते हैं। आपने फजीला, आपके बोल एंटरटेनमेंट में बड़े आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपके बड़े चाहने वाले भी हैं, आपसे ये बड़ा अली भट्ट जो है, मेरा मतलब है मेरा नाम है अली भट्ट, आप क्यों कॉन्शियस हो रही है? अच्छा मुझे बताएं, आपका इंडस्ट्री में कोई अभी तक दोस्त बना है या सिर्फ प्रोग्राम की हद तक दोस्त? दोस्त लाइक बेस्ट फ्रेंड? यस बेस्ट फ्रेंड। नो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अच्छा ओहो, हमाद भी नहीं है बेस्ट फ्रेंड? नो मतलब ये मेरी गैदरिंग में ये है, कश्यप है, डीडी है, बस दरक्षा खान। अच्छा ये जरा देखते हैं, ये एक हमें चीज मिली है, जरा देखते हैं आप बताइए फिर।
ओके ये क्या कुत्ते बिल्ली वाली हरकत है भाई. सही है, उस टाइम पे फिल्टर बहुत चल रहा था, ट्रेंडिंग उस टाइम पे फिल्टर चल रहा था कि मुंह पे ये डॉगी फेस हो जाए. नहीं इसको समझ आ गई. अच्छा ये आप है, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि कौन है आपकी, कोई जानने वाली है, मगर आपने अच्छा वो बता दिया आप मैं हूं. ये आप है. अच्छा ये इस वक्त क्या सोच रही थी आप, कि आप क्यूट लग रही है? नहीं सही, ये फिल्टर मुझे अच्छा लगता था, सब ही यूज करते थे ये वाला, और एक था वो दिल दिल आते थे. फ्लावर्स फ्लावर्स नहीं दिल दिल आते थे. हार्ट टिकटॉकर की दुनिया में बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ा आपस में एक दूसरे के साथ आप लोग बड़ा कम्पीट कर रहे होते हैं. नहीं सर कम्पीट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग टिकटॉक यूज करते हैं, तो हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, हम खुद के लिए बनाते हैं. मैं तो खुद के लिए बनाती हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे किसी को कॉम्पिटिशन. झूठ बोल लिया सर, अगर ये खुद के लिए बनाती तो कमेंट बॉक्स के लॉक करके नहीं लगती. लाहौर और कराची के टिकटॉकर्स में फर्क है? हाँ बहुत फर्क है आई थिंक. क्या कराची के जो टिकटॉकर्स हैं वो इतना कंटेंट नहीं बनाते जो लाहौर के टिकटॉकर्स बनाते हैं. और दूसरा ये कि वो मीटअप करते हैं, उनमें एका होता है, यहाँ पे मिलते भी मुश्किल है. अली भट्ट कितना कंटेंट, मेरा मतलब है अहमद अली भट्ट जो है, अगर मैं कंटेंट बनाना चाहूँ तो मुझे आप क्या गाइड करेंगी, क्या मैं कंटेंट? आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको पता है, आप एक्सपीरियंस से हमने देखा, आप मीम्स बनाते हैं, आपके फनी होते हैं मोस्टली, क्योंकि ऑब्वियसली वी फॉलो यू, तो उसमें हम देखते रहते हैं कि आप किस तरह के मीम्स, आपने मेरे पे डाले हुए एक दो. नहीं आज हम आप पे भी मीम बनाएंगे, ये बल्कि एक मीम अभी आने वाली है, ये देखें जरा क्लोजअप करें, वजीला का क्लोजअप करें, ठीक है? वजीला के ऊपर मीम आने वाली है, ज्यादा क्लोजअप नहीं करना, इसके दांत बड़ी अच्छी मीम आएगी, बड़ी अच्छी मीम आएगी, और ये हिट वाली मीम है, ठीक है? ठीक है ओके, जरा जरा क्लोज करें फजीला पे. ओके फजीला मुझे बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप में फर्स्ट रनर अप कौन था? सर मैंने नहीं देखा. आपने फीफा वर्ल्ड कप नहीं देखा? फीफा वर्ल्ड कप देखा ही नहीं बिल्कुल. नहीं नहीं नहीं. अच्छा फीफा वर्ल्ड कप होता कैसे है तो पूछें. वो तो पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप तो पता है आपको क्या होता है. क्या कह रही है यार? अबे हॉकी का वर्ल्ड कप होता है फीफा. मैंने नहीं देखा, मैं कैसे बोलूं? आप हॉकी बिल्कुल नहीं देखती? नहीं मैं क्रिकेट देखती हूँ. चले शुक्र है सर, मैं तो वही बताऊं. शुक्र है. अच्छा चले क्रिकेट देखती है ना, इससे मतलब आपकी क्रिकेट की फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड है? यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम है ना? सर मुझे पता नहीं आप नाम है ही नहीं ना. सर मैं पाकिस्तान में क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होता है या पाकिस्तान भाई मुल्तान सुल्तान नहीं कराची किंग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं. सर मुझे पता ही नहीं कौन सी टीम है. खातिनों साथ आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो देखते हैं जो अभी लीक हुई है. लीक हुई है? वो तो फौरन दिखाएं जी, दिखाइए. चलो भाई मैं तो वही दिखाइए जी वीडियो. बताओ डब्ल्यू सी पे भी डबल सवारी खुल गई है क्या? ये कहाँ बैठे हुए हैं और इतना तंग बैठे हुए हैं? अब तुम लोग खुले में कर रहे हो? नहीं मतलब बैठ के खड़े होके लेट के कहीं भी कुछ भी कर लें, तो एक तरह से तो टिकटॉक भी बना सकते हैं ना. क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी है. कहीं पे भी लेटना कहीं पे भी बैठना, वायरल होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. अब तो तू रोड पे कर देगी. पर खैर हुआ ये कि हम फजीला को कह रहे थे, फजीला अपनी टिकटॉक्स बना रहे थे, हमने फोन सामने रखा, वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे स्क्रीन पे, तो हम लोग वही तो आप कह रहे फजीला स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं हो रही थी? नहीं नहीं कशफ और मैं नहीं हो पा रहे. अच्छा कशफ नहीं हो रही थी एडजस्ट. तो इस वजह से वहीं बैठे बैठे बना लिए. निशात मैं आपका हर जगह पे एडजस्ट नहीं हो भाई. मैंने नहीं कहा, उसने कहा कि आप नहीं एडजस्ट हो रही थी. हम नहीं हो पा रहे थे. मैंने ये नहीं कहा ये नहीं हो पा रही थी, मैंने कहा हम नहीं हो पा रहे थे. अच्छा हम नहीं हो पा रहे थे, कोई बात नहीं, हर चीज मुझे ज्यादा चाहिए होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं. वेरी नाइस वेरी नाइस. अच्छा जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गेम भी हमने खेलनी है. आपने सोशल स्टडीज चूज किया, अब सोशल स्टडीज में कौन सा बच्चा आपके पास नहीं आना चाह रहा? कौन सा बच्चा खेलना चाहेगा? हम ना काश तुम्हारी बहन भी इतनी प्यारी. ज़ियान साहब बताइए. हम्मद भाई मुझे ऐसे सवाल के ये करने के, जब आप चैंपियंस में थे तो आपको वकार जका अंकल कैसे लगे थे? वकार जका अंकल कैसे लगे थे आपको? भारी कर दिया नाम को. वकार भाई अच्छे लगे थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. जैसे
खासतौर पे ऑफ द स्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे ऑफ द स्क्रीन, लेकिन उनको कोई समझ भी नहीं सकता। हाँ। अच्छा बिटकॉइन दे रहे थे वो आपको? क्लासेस लेते थे ना हम, लेकिन वो ऑफ द कैमरा बिटकॉइन की क्लासेस दे रहे थे, बिटकॉइन की और भी एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता था भाई ऑफ द कैमरा, लेकिन हां जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ की कैमरा ही होती है भाई। ऑलराइट जी बैक टू द बिटकॉइन, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास आप 1,00,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं, ओके? खेल लोगे? मनी ट्री दिखाइए जी, मनी ट्री में आप लोग कहाँ हैं? खेलते हैं या नहीं खेलते? खेलते हैं ना। ओके जी, मनी ट्री में आप लोग पहुंच चुके हुए हैं 50,000 रुपए तक। अगर आप बजर दबाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली 1,00,000 रुपए के लिए खेलने लगे हैं। खेल लेंगे। ओके, 1,00,000 रुपए के लिए आप खेलने लगे हैं। 50,000 रुपया आपका जा चुका है, जा चुका है, ठीक है। अगली दो कैटेगरीज के लिए हम ना आपके साथ हैं। आपने चूज किया फजीला की बहन, सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज, हाँ सोशल स्टडीज का 1,00,000 रुपए के लिए सवाल ये है। ग्वादर पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोविंस ऑफ, ग्वादर कहाँ, किस प्रोविंस में? केशु तुम बताओ, केशु क्या? तो मुझे आता है इसको, आपको आता है? हाँ। अच्छा मुझे पहले बताए ग्वादर कहाँ है, आपको आता है ना? ग्वादर किधर है? वहीं पर ही है ना? कहाँ पर है? जहाँ जहाँ मैं आपको, जहाँ मैं कल छोड़ के गई थी वहीं है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ जहाँ पे, कहाँ बता दूँ मैं भाई? मैं प्रोविंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ग्वादर है किधर? बलूचिस्तान में ना? बलूचिस्तान में है। हाँ। तो प्रोविंस कौन सा हुआ? ग्वादर बलूचिस्तान प्रोविंस में, आपने कहा ग्वादर बलूचिस्तान में, तो मैं कहा प्रोविंस क्या है? तो वो हुआ ना बलूचिस्तान। कैसे कैसे? एक मिनट, प्रोविंस बलूचिस्तान है? तो वही आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट हम आज जरा खामोश रहे, मैं आपसे जानना, इधर देखिए मेरी तरफ। आपने कहा है ग्वादर बलूचिस्तान में, ठीक है? मैंने पूछा प्रोविंस कौन सा है, बलूचिस्तान किस प्रोविंस में है? ग्वादर में। कोई भी चीज कहीं भी डाल दिया, मरवा दिया। हो गया सर काम आपका, अब आप बलूचिस्तान तो कौन सा प्रोविंस हुआ? हाँ वही बताना चाह रही थी, लेकिन आप समझदा ही नहीं। हाँ तो आपने क्या कहा, एक मिनट मुझे बताया प्रोविंस कौन सा है? मुझे नहीं पता भाई। आपने बजर दबा दी है, बताओ बताएगी तो बजर कोई भी बचाए तो वो तो बलूचिस्तान जवाब है इसका। बलूचिस्तान जवाब है। ग्वादर में क्या क्या मसले हो रहे हैं? क्या मसले हो रहे हैं? आपने कहा, सुने, मैंने कहा ग्वादर किस प्रोविंस में है? हाँ ग्वादर किस प्रोविंस में है, ठीक है। आपने कहा मैंने पहले आपसे पूछा कि ग्वादर कहाँ है, आपने कहा ग्वादर बलूचिस्तान में। हाँ, जो कि बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने कहा बलूचिस्तान किस प्रोविंस में है? बलूचिस्तान में तो कहीं है ना, ग्वादर में ना। अच्छा तुम कहना चाह रहे हो दोनों एक दूसरे में? ऐसे नहीं शराबी, ऐसे। हाँ ऐसे बिल्कुल मिले हुए हम बिल्कुल। जी भाईजान आपका सीरियस जवाब, आपने कहा बलूचिस्तान और आपने प्रोविंस कहा जिसका आपको भी नहीं पता बलूचिस्तान, आपने क्यों कहा बलूचिस्तान? लॉक करें जी। और आवाज की वजह से ग्वादर प्रोविंस तो नहीं है, तो वो प्रोविंस तो वो बलूचिस्तान ही तो हुआ ना भाई। आपने एक मिनट, मैंने कहा कि बलूचिस्तान किस प्रोविंस में है, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा कि ग्वादर जो है बलूचिस्तान में। मैंने पूछा बलूचिस्तान किस प्रोविंस में है, तुमने कहा प्रोविंस ही बलूचिस्तान है। अब बता दिया, शुक्र। अब 1, 2, 3 पिले तीन रात। मैं वाकई ही अभी मेरे जी चाह रहा है कि मैं ब्रेक ना लूं, ये ब्रेक कर दूं यहाँ कुछ, एक मिनट। मेरे पे क्यों भाई? ओके आपने कहा, अगला सवाल के लिए खेलना चाहेंगे, मनी ट्री दिखाइए जी। 1,00,000 रुपए आप लोग जीत चुके हैं।
और एक भी लाइफ लाइन नहीं गई। कश्यप, 1,00,000 रुपए के लिए अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, कौन सा गाना गाना चाहेंगी अभी, तो क्या हमें सुनाएंगी? सुनाए, आप गाती बहुत अच्छा। मैं क्या गाना चाहूंगी जी? पाकिस्तानी, इंडियन तो नहीं गा सकते? नहीं, बिल्कुल हाँ, पाकिस्तानी गाएं, इंडियन मैं बड़ा अच्छा गाती हूँ। मुंडिया वाला मुझे इतना अच्छा नहीं आता, मुझे जो अच्छा आता वो सुना दो, मुझे प्यार हुआ था। जरा गाने का माहौल जरा अच्छा सा होना चाहिए। चलो आए जी, आए इधर आए, इसी में गाना है हम। हाँ इसी में गाएंगी, इसी वैसे में गाएंगी। अच्छा अभी मेरी गला भी लगा हुआ है। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। बस अरे क्या बात है, क्या बात। गला खराब है ना मेरा सजा। अच्छा गला खराब है अभी, वेरी नाइस, बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा तो ये अकेले ना जाना किसके लिए गाया आपने? है ही नहीं, इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद जियों के लिए शायद। बहुत इस्लामाबादियंस को यार, इस्लामाबादियंस को डेडिकेट करी आप? नहीं कोई है ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कोई मिल जाए। चलो ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती कोई अच्छा मिले जिसके साथ मैं गाने भी गाऊं। पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान। ये तो सिर्फ शो के लिए ना, मुझे रियलिटी चाहिए। इस्लामाबाद में कोई नहीं है कश्यप? रियलिटी में तो रियलिटी मुझे पसंद आता है, उसकी शादी होने वाली होती है। हमाद एक मिनट, इस्लामाबाद का क्या किस्सा है? तीन तीन आज आज की बात है। आपको मतलब अब आपको कोई अगर अच्छा लग जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी उससे शादी हो। मेरी मम्मा मुझे कहती है अच्छा, कि जरूरी नहीं होता कि आपको जो है ना जो जिससे आप मोहब्बत करते हो आपको इश्क हो तो वो आपको इश्क मिले, इश्क दूर से भी अच्छा लगता है। तो मतलब ये एक मम्मा मुझे एक बार समझाती मैं। अच्छा ये मम्मा कहती है, पापा क्या कहते हैं? पापा बोलते हैं तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, इश्क मिल जाए तो इश्क। अर्जी जी बैक टू द कैटेगरीज, कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी आप अगला खेलने वाली हैं। 1,00,000 रुपए के लिए आपने जीत गई हैं, 1,00,000 रुपए आपने लगा दिया अपना। अच्छा लगा दिया, लगा लगा दे, हम लोग क्विट भी कर सकते हैं। हाँ क्विट कर सकते हैं, 1,00,000 रुपए ले जाए घर जाए। अबे तीन चीट है अभी, अभी जवाब दे दें तो आगे भी दे देंगे। हाँ कुछ भी नहीं हो रही है तो क्या, तीन चीट है अभी, खेलो। 1,00,000 रुपए आ गया है, उसने किया 33,000 खेलेंगे। क्या करना है? खेल लेंगे सर, गर्मी लग रही है बहुत। गर्मी लग रही है आपको? कश्यप के लिए एसी ऑन कर। अच्छा एसी ऑन कर दे, मैंने जैकेट पहनी हुई, इनको गर्मी लग रही है। वेरी नाइस ओके। अच्छा जी आपने बजर दबा दिया, आपका 1,00,000 रुपए ऑटोमेटिकली चला गया है। अब आप खेलने वाले हैं 2,50,000 रुपए के लिए। कैटेगरी आए जी, कैटेगरी देखते हैं खवातीन उस्ताद। कैटेगरी है ब्रेक की, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। आपसे अच्छे हमारे कंटेस्टेंट्स जो आज आए हुए हैं वो 1,00,000 रुपए जीत चुके हैं। कोई याद कर रहा है? हिचकियां आ रही है, कौन याद कर रहा है? मतलब कि आज 10-15 बंदे फारिग बैठे हैं, कौन याद कर रहा है? जो उसको याद करने वाले बहुत हैं, पता नहीं उनमें से तुम भी एक हो। ओए हट, खबरदार जो तूने उल्टी सांस ली, तेरे मैदे में घूम रहाऊंगा मैं। बस मैदे में नहीं घूमोगे, नाक की नथने में फंस जाओगे जाके। खवातीन हज़रात आइए चलते हैं कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने वो कैटेगरी खेलनी है जो आपको 2,50,000 रुपए तक लेके जाएगी। हमारे पास कैटेगरी जो आप खेल चुकी है वो है एनिमल किंगडम, साइंस और सोशल स्टडीज। पीछे बचा मैथ्स, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, रिडल्स, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, कल्चर, इंग्लिश एंड जर्नल नॉलेज। अब मुझे बताएं कि कौन सी कैटेगरी है जो आप लोग खेलना चाहेंगे। ठीक है
आई थिंक जनरल नॉलेज, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे जनरल नॉलेज इनकी बहुत अच्छी है. वेरी नाइस. या इट्स वेरी नाइस. या ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले. ओके ठीक है. जनरल नॉलेज आप पक्का, आपने बजर दबा दिया है, क्योंकि जनरल नॉलेज के बाद कश्यप अब पता नहीं किस बच्चे को देख रही है, यहाँ आपके पास आई हुई है. नहीं मैं कुछ सोच रही थी. क्या सोच रही थी? कि हम 1 लाख रुपए जो हमारे पास आ रहा था वो तो चला गया. 2.5 लाख रुपए. नहीं 2.5 लाख आएगा, फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे. ओ इस्लामाबाद. छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचते ये. लाख इस्लामाबाद पता नहीं है लोग क्यों बोल रहे हैं ना. वहाँ पे जिस जो बोलना चाह रहे उस बंदे की शादी होने वाली है. अजीब. उसकी शादी पे मुंडा चुके ले आए. चन्ना मेरा करते हुए पहुंच जाए. अब ये देख के उसकी शादी कैंसिल होने वाली. जो बात है वैसे उसको पता नहीं है ना. आंटी देख रही हैं आप. अगर मैं चाहती होती तो मेरी भी हो सकती थी. हाँ आपकी भी हो सकती है. अच्छा कैसा लड़का आपको चाहिए? कैसा लड़का चाहिए मुझे? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो नॉर्मल कमाता हो, ज्यादा हैंडसम ना हो. और वो बिल्कुल हैंडसम. ये सामने खड़ा है आपके, ज्यादा कमाता भी नहीं है, हैंडसम भी नहीं है. आई एम रेडीमेड. लेकिन इसको कोई मतलब ऐसी नहीं चाहिए ना, कोई घरेलू चाहिए ना. नहीं तो ये क्या आवारा है? हाँ ये भी तो घरेलू है. मेरी तरफ से बोल रहे ना. नहीं तो इसको कोई वैसी चाहिए वो पर्दे में रहने वाली. नहीं उसने ऐसा नहीं कहा. बोला है. नहीं बोला है. उसको मीडिया से रिलेटेड नहीं चाहिए उसको. अच्छा एक मिनट भाईजान, आपको कैसी लड़की चाहिए? मेरे से बात करे खाली. सांस लेती हो? सांस ले, सांस चलनी चाहिए जरा मील के लिए तो बस. नब्ज चल रही है. बंद मैं कर दूंगा. अच्छा एक मिनट, आपको आपको कश्यप जैसी लड़की आपको अच्छी लगती है, या आपको फजीला अच्छी है, या आपको फजीला जैसी? फजीला भी अच्छी है. मुझे कोई भी दे दो भाई. सांस चलती हो बस. नब्ज चल रही हो. नहीं तो मैं क्यों बोलूं लड़की चाहिए. अल्लाह लड़की के नसीब अच्छे करे. हाँ जी बिल्कुल. आमीन आमीन. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने अब 2.5 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं. जनरल नॉलेज आपने चूज कर ली है 2.5 लाख रुपए के लिए. 2.5 लाख रुपए का सवाल देखते हैं क्या है. ओके जी लास्ट हमारा सेगमेंट है, जल्दी जल्दी खेलेंगे. व्हाट कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? वो कौन सी कंट्री है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है? जनरल नॉलेज ये तो आपको आना चाहिए. हैं जी हाँ बताएं. सबसे कम हमारा होगा मुझे लगता है पाकिस्तान. इतनी इतने में शादी भी नहीं होती, मर जाते होंगे अटैक. अच्छा कोई चीट नहीं लेना कोई अभी तक आपको? सब कुछ आता है. चीट ले सकते हैं वैसे मैं, क्योंकि करो यार ताका जाकी. शोर नहीं हूँ इतना. नहीं है, है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं 2-3 कंट्रीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ. लेकिन 2-3 कंट्रीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ. आंसर लिख लाइफ. अच्छा उससे तो इधर इट्स अभी तो बजर नहीं बजाया. नहीं नहीं आपने बजर नहीं बजाया अभी, आप कुछ भी कह सकते हैं. 2-3 कंट्रीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो चाइना है या जापान है या हांगकांग. अब उसमें कंफ्यूजन हो रहा है. जापान ज्यादा लग रहे हैं इनमें से कोई. एक खामोश हो जाएं. हमाद अब आपने कुछ नहीं बोलना. नहीं आपने कहा हांगकांग और जापान है ना? चाइना और जापान. चाइना और जापान. हांगकांग नहीं आपने कहा? नहीं. तो आपको लगता है कि हांगकांग एक कंट्री नहीं है? सर मुझे नहीं लगता. या लगता भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगी. अच्छा क्योंकि मुझे बहुत कुछ लगता है जो नहीं होता. हाँ ये बात तो सच है. आपको आपको इसलिए अब मैं लगता छोड़ देती हूँ, उस पर फोकस करती हूँ जो होता है. और जो होता है और क्या है? क्या है अली भट्ट आपसे पूछ रहा है कि क्या है? अहमद अली भट्ट आपसे पूछ रहा है क्या है? जी जी. अच्छा मुझे लग रहा है जापान या चाइना. जापान या चाइना? चाइना या जापान. लेकिन चाइना मैंने सुना बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग अपना, तो मुझे लगता है चाइना. अच्छा जापान या चाइना? चाइना या जापान? ठीक है ना, हमें ये तो पता है. अच्छा चाइना के अंदर एक शहर है एशिया. अब मुझे बताएं एशिया जो है वो हांगकांग के पास है या जापान के पास है? ये बता दें मैं आपको दे दूंगा ना. हमारा यार भाई आपने सवाल ऐसे पूछा. मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ कि चाइना में सवाल इधर चाइना में एक शहर है एशिया. छोड़ दे चाइना में एशिया कैसे है सर? क्या हो गया फजीला? मैं बोल रही हूँ कि इस जवाब को छोड़ दे. जापान में खाना खाने चलते. जापान में खाना खाने चलते. जी बताइए चाइना में एशिया कहाँ से? फिर कहाँ एशिया? इससे पूछो बर्गर हो. एक मिनट फिर कहाँ एशिया? जहाँ भी है मैं अपने मीम्स नहीं बनवाऊंगी लेकिन. अच्छा आपने कहा एशिया
चाइना में नहीं। सर कौन सा शहर है एशिया? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक, मुझे तो पाकिस्तान के शहरों का इतना नहीं पता। आप चाइना तक पहुंच गए। अच्छा चाइना शहर है? समझदार है। चाइना शहर है नहीं। फिर चाइना क्या है? कंट्री। एशिया क्या है? अल्लाह रहम करे भाई, पूरा नक्शा बिगाड़ देंगे ये दोनों। जनरल नॉलेज में आपकी पूछ रहा हूँ, आपको जनरल नॉलेज तो बड़ी अच्छी आती है, बताएं। अभी तो एक सवाल मेरे पास है जनरल नॉलेज का। मैं अभी भी कह रहा हूँ एशिया जापान के पास है या एशिया हांगकांग के पास है, दोनों इसमें से बता दें। सर मैं गाइडलाइन का शब्द से तो ही निकम्मा करा दिया अपने आगों के सवाल याता कर। सर एशिया कहाँ पे? ओके जी बैक टू द क्वेश्चन, हम आ जाएं। आप बताएं, इनको बताएं चाइना कहाँ है? एशिया बेसिकली कॉन्टिनेंट, तो एशिया के अंदर चाइना और पाकिस्तान इंडिया ये सारे। अच्छा तो हमारे पास जो सवाल है वो है व्हाट कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कश्यप से पूछिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? अब ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं आता भाई। कश्यप वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? हम आज कह रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो ये होती है कि मुझे नहीं पता। जब 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 लाइफ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दोस्त कैसी है फिर भी भाई, जब मैंने बता दी ना मैं कोने पे रहती हूँ मोबाइल लेके बस। जी कुछ जवाब आया आपके पास? हम लोग लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे। जी जी आप चीट लेना चाह रहे हैं? चीट करना चाह रहे हैं। ओके ताका झाकी आइए। जाओ ताका झाकी करके, ये मेरे में कर लेगी। हम ना ओके ताका झाकी हो गया बस। अगर लैपटॉप खराब गया ना तूने। जी कुछ जवाब आया? जी बताइए क्या लिखा है बताओ। एशिया। अब तो लाइफ लाइन यूज कर लिया, अभी भी इतना सोच रहे हैं क्या है? हांगकांग। हांगकांग लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा हांगकांग की है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। हम लोग चाइना पे रहे और एंड में हांगकांग निकला। आपने ऐसे ही लिखा होता चाइना निकला हांगकांग जी। आप फजीला आप ही, आपके जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स थे जब यार मुझे तो अब याद भी नहीं, इतने सालों हो गए। तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? अगर अच्छे मार्क्स थे, अगर अच्छे मार्क्स थे तो एशिया कंट्री कहाँ से आ गई? वो तो एक कॉन्टिनेंट है। मैंने कब कंट्री बोला? मैंने तो जवाब ही नहीं दिया। जी मनी ट्री की तरफ बढ़ते हैं खवातीन हजरात। मनी ट्री पे आप लोग अभी स्टैंड करते हैं, मुबारक हो, 2,50,000 रुपया जीत चुके हैं आप लोग। बस चले बस करो बस करो बस करो, जाओ 2,50,000 रुपया लो घर जाओ। चलते हैं अगर सही हो गया 5,00,000 जीत जाओगे, गलत हो गया कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम 2,50,000 में खुश हैं। अच्छा 2,50,000 में खुश हैं? इतने में तो हम आज परफ्यूम्स ले लेता है। इतना बदबू आ रही है। 2,50,000 का कौन सा परफ्यूम आता है सर? 1,50,000 का लिया था। 1,50,000 का हमने अभी गए थे इस्लामाबाद, हमने शॉपिंग की थी तो इसका एक परफ्यूम था 1,50,000 का आया था। 1,50,000 का आया था। उसका क्या नाम था? स्टिंक फ्रॉम मेन। एलवी का था, क्रिस्टन क्रिस्टन डायर का था। 1,50,000 का परफ्यूम ले लिया। और सर मेरा 3,500 और मैं दूर नजरों से। और सर मेरा जो फोन चोरी हो गया लाहौर से वो 3,50,000 का था। आपका फोन चोरी हुआ लाहौर से? हाँ। लाहौर में तो चोरी होती नहीं, लेकिन आपका तो हम रोड पे चलते हुए यही बात कर रहे थे कि और 10 मिनट बाद लाहौर में इतना अच्छा है गाइस, यहाँ पे तो हम पैदल चल रहे थे लांटे वाले रोड से वही चला गया। कश्यप ब्लॉक करिए, लाहौर इज वेरी सेफ, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता। हम कराची में ऐसे घूम ही नहीं सकते, वहाँ फजीला मैप देख रही है भाई ऐसे मोबाइल लेके चल रहा है। अच्छा मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही ना, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ मैप देख रही हूँ। फजीला ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी, मेरा ब्लॉग ही चल रहा था। और कुछ टिकटॉकर्स को बहुत तकलीफ थी तो मैं ये ऑन एयर क्लियर कर दूं कि फजीला का फोन गया और मेरा और कश्यप का फोन नहीं गया। वो इस वजह से कि उन्होंने गन पॉइंट पे नहीं लिया था, वो हाथ से छीन के ले गए थे। आई होप आप सबके पेट में सर में हर जगह में आराम हो जाए कि हम लोगों का फोन इस वजह से नहीं छीना था, वरना सब बोले थे। लेकिन लेकिन ये ज्यादा बोलने के ये कोई पब्लिक हमाद, ये आपने जुलेखा वाली अभी जो अदाएं की है कि आए तुम्हारे पेट में हो जाए तेरा बेड़ा कर। ये मुझे तो अब पता लगा कि आप इन दोनों के साथ क्यों हैं, आप तो खुद बहुत बड़ी फप्पे कुट रही हैं। ये तो रास सही है सर, ये तो सभी होते हैं, ये अलग बात है, कोई बताता नहीं। अब शर्म ही कोई देख ले। चले अल्लाह करे आपका फोन आपको मिले। नहीं मिलेगा सर, अब तो नया ले लिया, नया ले लिया, एक और दिला दिया। चलो बस इतना ही अमीर होना चाहिए भाईजान। अच्छा नया कौन सा फोन लिया?
आपने पूरी बात नहीं की, इतना ही अमीर होना चाहिए। कौन सा लिए बताए? 14 लिया है। और वो प्रो मैक्स तो नहीं है ना? प्रो मैक्स है सर, मैंने बीच में लिया था, उसको वापस देंगे। और छीना कौन सा गया था आपका? 13 प्रो मैक्स। 13 प्रो मैक्स छीना गया था। लेकिन मैं कहती हूँ वो पुराना ले गया, नया दे गया, वो डकैत नहीं थे वो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं खवातीन हजरात, क्योंकि हमारे पास भाई क्या थे, डकैत नहीं थे तो। जी खवातीन हजरात, आपने अब चूज करनी है कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी आपने चूज की है, आइए जी कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहले आगे खेलना है कि नहीं खेलना? खेलते हैं, मैथ्स, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, रिडल्स, फिजिक्स, पर्सनालिटी, कल्चर एंड इंग्लिश। इंग्लिश, इट इज द नाइस ऑफ द रिपीट ऑफ द नाइस मॉर्निंग ऑफ नाइट। व्हाट? माय इंग्लिश इज वेरी नाइस टू गुड इन इंग्लिश मॉर्निंग एंड नाइट। Party all night. Yeah, whatever. No. My English is very. अच्छा वैसे आप अगर English में अपने vlog की ending कैसे करती हैं? जरा camera में देख के बताएं. So guys, I hope ending करनी है. Ending. यानी बर्बाद करना अपना आप. So guys, do subscribe and like my all vlogs and bye guys. मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे, जल्दी बताओ। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या कह रहा है? ज्योग्राफी इन दोनों से हटके बात कर रहा है यार। वाह वाह वाह, बड़ी ट्रिकी सिलेक्शन कर रहे हैं आप। आपने बजर भी दबा दिया। थोड़ा सा कमांड है तो मैंने इस वजह से ज्योग्राफी सेलेक्ट की है। ज्योग्राफी है, ओके। मतलब आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी होगी कश्यप? पता नहीं मुझे तो। अच्छा आपको नहीं पता, आपको वैसे भी ठीक है, चलिए ठीक है। वह आप गूगल मैप देखती है तो ज्योग्राफी तो आनी चाहिए। अच्छा जी, ज्योग्राफी का आपका सवाल 2.5 लाख रुपए का है, ओके। 2.5 लाख रुपए आप लोग जीत चुके हैं, 5 लाख रुपए आएगा या 2.5 लाख रुपए चला जाएगा। आपका सवाल 5 लाख रुपए का ये है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। कौन सा आइलैंड है सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड? और कश्यप का मुंह देखें, वाह 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 वाह। फजीला क्या हुआ? सर मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये। आपने पढ़ा नहीं है? सर अभी पढ़ने की उम्र थी, अभी पढ़ रही हूँ ना मैं तो ये सब। हो गया, आपने एशिया पढ़ा है, वेरी नाइस। विच इज द लार्जेस्ट, कश्यप से डिस्कशन। हमाद हेल्पलाइन यूज करना चाहेंगे। आपकी जो चीट है वो है छाप दो, इसका मतलब है आपको कोई जवाब अभी नहीं आता, जो उसने जवाब दिया वो ही जाएगा, अगर वो गलत भी हुआ तो वो ही कम होगा। आइए देखते हैं हमारे बच्चों ने क्या जवाब दिया था। जी बच्चों का दिखाएं। जी हमारे बच्चों का आंसर न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड, एक ने न्यूजीलैंड भी दिया हुआ है, ओके। हमना आपने आंसर क्या दिया? आयरलैंड, ओके। हमना ने कहा आयरलैंड, आपने कहा कि जी हमें जवाब नहीं आता, इसलिए हम लोग लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ लाइन जो थी वो थी छाप दो। अब 2.5 लाख रुपए आप लोग जीत रहे हैं जो आपने आगे लगा दिए। अब अगर इसका जवाब सही हुआ तो आप लोग जीत रहे हैं 5 लाख रुपए, लेकिन अगर इसका जवाब गलत हुआ तो क्या होगा? कोई ऑफर दे देना अहमद भाई। ऑफर मैं अब आपको देता हूं, आप इन दोनों को इन दोनों की कंपनी छोड़ दें, क्योंकि आप अपने आप को जो आप अपनी इंटेलिजेंस को ऊपर लेके जाएं, इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ऊपर है आपसे। है ना? ये वो तो मुझे भी पता था। किसने बताया? अच्छा अनफॉर्चुनेटली आप क्या आयरलैंड लॉक हुआ है, देखते हैं आयरलैंड इज इट ट्रू और नॉट। अब निकला है हमाद का। वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, वहां फोन चोरी हो गई, यहाँ पैसे चोरी। How cute, कितने अच्छे बच्चे। 2.5 लाख रुपया आप हार चुके हैं। ताली क्यों बजा? चलो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, 1 2 3 go। लालच, हाँ जी शेर आया, शेर आया। ऐसे मौके पे ना बच्चे का जी चाह रहा था कि बच्चे को शेर सुनाए। अर्ज करता हूँ, कसूरवार है सब, एतराफ कौन करे,
कसूरवार हैं सब, एतराफ कौन करे, सजा का फैसला अपने खिलाफ कौन करे। हम ख्वातीनों साथ ये जो आपने शेयर करे PK303 has taken off. हम अच्छा जी, वेरी वेल प्लेड। आप लोगों ने इतना अच्छा खेला है कि अब आपको शैबी अपनी जेब से 1,000 रुपया देंगे, है ना? चल शराबी लब दे दे, आज दे ही दे, मेरे आज दे दे, आज दे दे, आज दे दे, खुश है तो हजार में भी खुश है। हाँ, थैंक यू वेरी मच हमना, आइए आप इधर आ जाइए हमना, वो आप वो देखो, वो देखो क्या हो रहा है, वेरी नाइस हमना, आपने इनको पिटवा दिया। अच्छा जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज की जो टीम थी उसके लिए तालियां, बस 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 याद है। ओके, उम्मीद है, मेरा ख्याल है कि अब जब अगले गेम शो में मेरी आपसे मुलाकात होगी कश्यफ, तो हम कैसे मिलेंगे? जैसे आप कहें अहमद अली सर, जैसे आप कहें अहमद अली ओके, इतना डिफरेंस थी। खातिर नजाद ये तो कुछ नहीं जीत सके, लेकिन आप घर बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल ये है इस हफ्ते का। याद रहे, आप लोगों ने हमें हैशटैग करना है नेम द पोएट हुज कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज शाजो रसालू, आपने शायर का नाम बताना है, याद रखें हैशटैग छठी के बच्चे आपसे अच्छे हमें करके आपने जवाब देना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जवाब नहीं काउंट होगा। घर बैठे आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं अगले हफ्ते, मैं आपको गारंटी देता हूं, इन्होंने अभी से ट्वीट करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये 50,000 रुपए तो लेके जाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे शो पे, और थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वाह जी वाह, हमारे तीनों गेस्ट के लिए तालियां। आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी अगले हफ्ते जी, और अगले हफ्ते मैं आपको गारंटी देता हूं जिस तरह ये कुर्ता बेहतर है, अगला हफ्ता इससे भी अच्छा कुर्ता होगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी खातिन हजरात, इन दोनों की हाँ हो गई है, अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।